tell you about a function in C. Function is a self-contained block of a statement that can be executed repeatedly whenever we need it. Function एक ऐसी statement है जो आपका repetition वाले work को perform करता है. Execute repeatedly whenever we need it. जब भी जरूरत होती है उसमें हम बार बार जा करके execution कर सकते हैं. Benefit of using function in C. इसके क्या benefit है function को C में use करने के. The function provide modularity. Modularity means है कि एक separate portion बन जाता है जहाँ पे जाके आप कुछ काम कर सकते हैं. The function provides reusable code. अब क्योंकि वो particular portion में आप बार बार जा सकते हैं इसलिए बार बार उस particular portion को आप use कर सकते हैं code में. In large programs, debugging and editing task is easy with the use of function. और अगर कुछ program में problem आ जाए और कुछ modification आ जाए तो हम particular function में जाकर उसको modify कर सकते हैं. पूरा program disturb नहीं करना पड़ता है. The program can be modularized into smaller part, so it is beneficial for the execution and time. आपका उस मॉड्यूल में तभी जाएगा जब आपकी जरूरत होगी. अगर लाइन बाई लाइन प्रोग्राम लिखेंगे तो जब तक पूरे लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा. और जब मॉड्यूल में होगा तो आपका टाइम टेकिंग नहीं होगा उस मॉड्यूल में तभी जाएगा जबकि वो उसकी जरूरत हो. सेपरेट फंक्शन इंडिपेंडेंटली कैन बी डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड. और अगर आपको कुछ और फंक्शंस डिफाइन करना पड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे आपने दो नंबर लिया उसको एडिशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलर निकालना है तो हर के अलग मॉड्यूल आप बना सकते हैं और जिसकी ज़रूरत हो उसको यूज़ कर सकते हैं. हर में जाने की ज़रूरत नहीं है. So this is the benefit of the function. Now there are two types of function in C. That is built-in function, library function. The system provide these functions and is stored in a library. Therefore it is called library function. Example is scanf, printf, strcpy, strlwr, strcan, strlen, strcat. ये डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से हम लोग स्कैनर और प्रिंट एफ पढ़ चुके हैं. आगे के जो दिए हुए हैं वो सारे स्ट्रिंग फंक्शन है क्योंकि देखिए सब में एसटीआर लगा हुआ है. स्ट्रिंग फंक्शन है. जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे. हमने कल कहा था कि हम फंक्शन आपको समझाएंगे जिससे आपको जो प्रोग्राम हम समझा रहे हैं उसमें कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वो समझ में आ जाए. सो टुडे आई एम टेकिंग अ फंक्शन. Now to use this function, you just need to include the appropriate C header file. अब function को use करने के लिए एक header file use करनी पड़ती है input output functions के लिए. तो हर function library function में आपके different header file होती है जिसमें ये सारे inbuilt function define होते हैं. अगर आपके उसमें लाइब्रेरी नहीं है तो आप इन फंक्शंस को नहीं यूज़ कर पाइएगा. और अगर प्रॉपर सी इंस्टॉल है तो आप इन सब फंक्शंस को यूज़ कर पाइएगा. यूज़र डिफाइंड फंक्शन. अब इनबिल्ट फंक्शन तो हमने बता दिया क्या होते हैं. अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं. दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाई द यूज़र एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम. अभी हमने आपको बताया कि अगर हम दो नंबर इनपुट करते हैं तो हम पांच मॉड्यूल बना सकते हैं या और ज़्यादा भी बना सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का. तो जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. अब ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न. फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू. फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू. फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू. अब अभी आर्ग्यूमेंट्स ना हो तब भी रिटर्न कर सकता है वो वैल्यू और नहीं भी रिटर्न कर सकता है वैल्यू को. और अगर आर्ग्यूमेंट्स हो तो वो वैल्यू को
नहीं रिटर्न कर सकता और रिटर्न कर सकता। अभी आर्गुमेंट कौन सी बना है? आर्गुमेंट इज द वेरिएबल थ्रू विच वी पास द वैल्यू इन अ फंक्शन। तो फंक्शन में जो वैल्यू आती है उसको आर्गुमेंट कहते हैं और जिस वैल्यू में वो असाइन होती है उसको पैरामीटर कहते हैं। सो पार्ट ऑफ द फंक्शन क्या है आप पहले समझ लीजिए, फिर हम ये आर्गुमेंट्स को और डिटेल में समझाएंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन जहाँ पे होता है उसको फंक्शन प्रोटोटाइप करते हैं, जिसमें हम फंक्शन का नाम, उसकी टाइप और उसके वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल, अब ये सब क्या है इसको आगे पढ़ते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप, बिफोर अ मेन फंक्शन वन हैज टू डिफाइन द फंक्शन नेम, टाइप, पैरामीटर और आर्गुमेंट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो पैरामीटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो आर्गुमेंट हम जहाँ से कॉल करते हैं फंक्शन वहाँ डिफाइन करते हैं, और प्रोटोटाइप में हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखिए, डेटा टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट की भी टाइप हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंट एडिशन, अब ये विदाउट आर्गुमेंट देखिए आपका प्रोटोटाइप फंक्शन है। अगर आर्गुमेंट भी होता तो उसको भी, उसका भी डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन आर्गुमेंट। अब देखिए फंक्शन में क्या डिफाइन करते हैं कि उसका टाइप क्या है, उसका नाम क्या है और कौन सा और। अब देखिए यहाँ से जब वैल्यू जाती है तो उसको आर्गुमेंट कहते हैं, और जब प्रोटोटाइप में रिसीव होती है तो उसको पैरामीटर कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। आर्गुमेंट वो होता है जो फंक्शन में पास करके भेजा जाता है, और पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन में वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अब रिटर्न टाइप, जब हमने फंक्शन का डिफाइन कर लिया तो बॉडी ऑफ फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। इसमें जो भी टाइप का फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसकी क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बॉडी के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल इंट एडिशन, इंट क्या है, रिटर्न टाइप है, एडिशन फंक्शन का नेम है और आर्गुमेंट यहाँ नहीं दिया गया और उसके अंदर बॉडी का फंक्शन हम राइट कर सकते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन इन सी, अब फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन डिफाइन तो कर दिया हमने, अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें प्रोटोटाइप बताया हमने, फंक्शन की डेफिनेशन बताई और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके लिए आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड std.io.h हेडर फाइल है जिसमें आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन मिलेंगे जिनको हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। अब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर इंट एडिशन, अब ये इंट एडिशन क्या है, हमारा प्रोटोटाइप है जो डिफाइन हो गया यहाँ पर कि अब हम ये वाला फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। अब मेन में जाएंगे, मेन फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट फंक्शन है सी का, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहीं से सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है और यहीं से सारे फंक्शन कॉल किए जाते हैं। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लोकल वेरिएबल क्या है, इंट आंसर, आंसर इक्वल्स टू एडिशन। जब हम एडिशन में जाएंगे तो कहाँ, यहाँ से देखिए इन्वोक हो रहा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कॉलिंग अ फंक्शन टू गेट एडिशनल वैल्यू, प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर इज %d\n आंसर। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो वैल्यू ऐड होके आ रही है उसको आंसर में प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन किया है आंसर इक्वल्स टू एडिशन। अब एडिशन में बॉडी पार्ट हम जब डिफाइन करेंगे तो उसमें वो काम करेगा, वहाँ पे तो प्रोटोटाइप है। अब देखिए बॉडी टाइप डिफाइन करेंगे, फंक्शन रिटर्निंग द एडिशन ऑफ टू नंबर। अब इसमें इंट एडिशन लिया, इसमें यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, इंट नम 1=10 एंड नम 2=5, लोकल वेरिएबल डेफिनेशन। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल लिए, फंक्शन ने जो वेरिएबल डिफाइन होता हमने एक बार आपको और भी बताया था, उसको लोकल वेरिएबल करते हैं और वो बाहर उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है।
अब ग्लोबल वेरिएबल हमने बताया था आपको कि जो मेन फंक्शन के पहले डिफाइन होता है, जो हर जगह प्रोग्राम में चेंज हो सकता है, तो उसको बड़े ही कॉन्फिडेंट हो तभी डिफाइन करें। अब रिटर्न हमने किया नम वन प्लस नम टू, तो रिटर्न हो के ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा एडिशन आंसर में। अब आंसर में जो जाएगा उसको प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर, और रिटर्न जीरो कर रहे हैं। रिटर्न जीरो मीन्स कि वो मेन फंक्शन में लौट जाएगा। रिटर्न जीरो मीन्स प्रॉपर एग्जिट है, तो मेन फंक्शन में देखिए वो लौट जा रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट होगा आउटपुट द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 15, और इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन आर्गुमेंट, अब आपको आर्गुमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, जो विच कॉल व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन द आर्गुमेंट्स कैन बी पास टू अ फंक्शन इन टू वेज। अब हमने आपको बताया कि जो वैल्यू पास की जाती है फंक्शन में उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं, जो वैल्यू रिसीव की जाती है फंक्शन में उसको पैरामीटर कहते हैं। तो आर्गुमेंट्स जो होते हैं दो तरह से पास किए जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द फंक्शन, जो वैल्यू वेरिएबल में होती है वही जब पास कर दी जाती है तो वो कॉल बाय वैल्यू कहलाती है। न्यू मेमोरी एरिया क्रिएटेड फॉर द पास्ट पैरामीटर कैन बी यूज ओनली विद इन द फंक्शन। अब आपने देखिए पैरामीटर में जो वैल्यू एक्सेप्ट हम करते हैं वो उसके लिए एक नया मेमोरी खुल जाता है, जहाँ पर कि फंक्शन की वैल्यू आर्गुमेंट से जाकर पैरामीटर में स्टोर हो जाती है। द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड हियर। अब क्योंकि वो वैल्यू कहीं से आके उसमें स्टोर हो रही है तो पैरामीटर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आर्गुमेंट जो होता है आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि इनपुट वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। कॉल बाय रेफरेंस, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग वेरिएबल एंड एड्रेस इज पास द फंक्शन एज अ पैरामीटर। अब वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू जाने की जगह पे वैल्यू का एड्रेस जाता है, जो वैल्यू का एड्रेस कहीं जाता है तो वो एक्सेप्ट पॉइंटर में होता है, क्योंकि पॉइंटर जो होता है एड्रेस को रिफर करता है। एड्रेस ऑपरेटर इज यूज्ड इन द पैरामीटर ऑफ कॉल्ड फंक्शन, चेंज इन अ फंक्शन रिफ्लेक्टेड द चेंज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। और अगर इसका फायदा क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस करने से, कि अगर आपका आर्गुमेंट चेंज होता है तो पैरामीटर भी चेंज हो जाता है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में पैरामीटर चेंज नहीं होता। एड्रेस ऑपरेटर इज यूज इन द पैरामीटर ऑफ कॉल्ड फंक्शन, चेंज इन फंक्शन रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो रिफर नहीं करता, पॉइंट नहीं करता पर्टिकुलर पॉइंटर को बाय एड्रेस। अब एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने फंक्शन एडिशन डिक्लेयर किया, आप देखिए यहाँ पर हमने पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया है, और पैरामीटर भी डिफाइन करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा किस टाइप का वैल्यू इसमें आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है इंट एडिशन इंट नम वन नम टू, तो नम वन और नम टू को वो डिफाइन कर रहा है प्रोटोटाइप में। दिस इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप। इंट मेन, अब लोकल वेरिएबल डेफिनेशन किया इंट आंसर इंट नम इक्वल्स टू वन। अब ये लोकल वेरिएबल किसका है, मेन का है, क्योंकि मेन के अंदर डिफाइन हो रहा है। int num1 equals to 10 and num2 equals to 5। अब ये लोकल वेरिएबल हमने तीन डिफाइन किए, आंसर num1 and num2, और उनकी वैल्यू डिफाइन कर दी। कॉलिंग अ फंक्शन टू गेट एडिशनल वैल्यू, एडिशन वैल्यू। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन है, फंक्शन कहीं प्रोग्राम में डिफाइन होगा, हम उसको मेन के पहले भी डिफाइन कर सकते हैं। आंसर इक्वल्स टू एडिशन नम वन एंड नम टू। अब देखिए एडिशन कहाँ जा रहा है, ये आया फंक्शन रिटर्निंग द एडिशन ऑफ
टू नंबर। यहाँ पर इंट एडिशन, इंट ए इंट बी आ रहा है। अब इंट ए में क्या आएगा आपका नंबर वन, और इंट टू में बी में क्या आएगा नंबर टू। तो 10 और 5 जा रहा है उसमें, तो 10 और 5 जब जाएगा तो रिटर्न ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी कहाँ रिटर्न होगा आपका, यहाँ पे आएगा आंसर में, और आंसर में आने के बाद प्रिंट एफ द एडिशन ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी बैक स्लैश एन आंसर। तो यहाँ पर आपका 15 प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न जीरो करेगा। रिटर्न जीरो मीन्स है कि वो मेन फंक्शन के एंड कर देगा और आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो वैल्यू क्या है 15, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 15। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू गई है वो ऐड होकर प्रिंट हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मींस है कि हमारा एड्रेस पॉइंटर में जाता है, जो पॉइंटर एड्रेस को पॉइंट करता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार नम लगा दो, किसी भी वैल्यू को पॉइंटर बनाने के लिए उसके आगे स्टार लगाते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे लेंगे कि पॉइंटर कैसे वर्क करता है। इंट स्टार नम वन, इंट स्टार नम टू। अब मेन फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे फिर से वही लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, कॉल अ फंक्शन टू एडिशन वैल्यू। यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू एडिशन एम्परसेंट नम और एम्परसेंट टू किया। अब एम्परसेंट क्या होता है, ये एड्रेस को डिफाइन करता है और पॉइंटर में जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल वेरिएबल लिया था हम लोगों ने, उसका एड्रेस नहीं लिया था। जब हम वेरिएबल के आगे एंड लगा देते हैं तो वो उसके एड्रेस को लेता है ना कि वैल्यू को, और उसको पॉइंट कौन करता है, पॉइंटर। तो पॉइंटर में जब एड्रेस जाता है तो वैल्यू एड्रेस को पॉइंट करता है ना कि वैल्यू को। तो अब यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है, वैल्यू पास नहीं हो रही है। तो जब एड्रेस में पास हो रहा है और वैल्यू नहीं पास हो रही है, तो जब हम स्टार लगा देते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाती है। यहाँ पर ये आया, देखिए अब रिटर्न क्या करेंगे हम, स्टार ए प्लस स्टार बी, मतलब जो वैल्यू हमारी एडिशन में गई। देखिए यहाँ से एड्रेस आया, ये इसमें स्टोर होगा, तो स्टोर जो होगा वो वैल्यू होगी, लेकिन रेफर क्या करेगा, पॉइंट क्या करेगा, एड्रेस को करेगा। तो उन एड्रेस को जोड़ कर की आपकी वैल्यू आंसर में आ जाएगी। एडिशन ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी आंसर। आंसर 15 ही आएगा, लेकिन अभी वर्क क्या कहाँ पे होगा, एड्रेस में होगा। इसको जब हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करके तब फिर दिखाएंगे। तो आपको पता ही है कि हम एक बार थ्योरी पोर्शन देते हैं, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन देते हैं, जिससे आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और तब फिर हम आगे प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, जिससे आपको हम जब प्रैक्टिकल करें तो समझ में आए। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कॉल बाय वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू ट्रांसफ़र करती है आर्गुमेंट से, और कॉल बाय रेफरेंस जो होता है वो एड्रेस वैल्यू ट्रांसफ़र करती है फंक्शन में इन पॉइंटर। तो पॉइंटर के लिए स्टार लगाना पड़ता है। पॉइंटर का एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ा देंगे आगे चलकर। तो धीरे धीरे हम लोग सी में बढ़ रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछे, जिससे आप लोगों को आगे समझ में आए। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू, एंड प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन इफ एनी क्यूरी अबाउट सी लैंग्वेज और एनी प्रॉब्लम इफ यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक यू, एंड गो टू कम्युनिटी टू कमेंट देयर ऑल्सो।